हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनसाइट आईएएस डेली करंट अफेयर ऑफ दिसंबर 2020। रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक फॉर डिस्कशन, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 8 न्यूज़ एंड फ्रॉम द फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 न्यूज़ फॉर द टुडेज डिस्कशन। एंड जो विजन आईएएस का मंथली कंपाइलेशन है, ठीक है, उसके दो पोर्शन अपलोड हो गए हैं, दैट इज़ द पॉलिटी सेक्शन, ठीक है, पॉलिटी, और आईआर का जो पोर्शन है दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी अपलोड हो गया है। उसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड रिगार्डिंग सम एक्स्ट्रा पॉइंट दैट कल मैंने एक मेल रिसीव किया था कि वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि एज आई डिस्कस बोथ विजन, ओके, विजन का मंथली कंपाइलेशन भी डिस्कस किया जाता है मेरे हमारे चैनल पे, और इसके साथ साथ जो इनसाइट का डेली करंट अफेयर है, ठीक है, वो भी डिस्कस किया जाता है। सो देर वॉज एन क्वेश्चन कि ये दोनों पढ़ना नेसेसरी है क्या, ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू, ठीक है, ए पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को इनसाइट का कंपाइलेशन अच्छा लगता है या तो किसी को विजन का, ठीक है, तो आपको जो पसंद है आप वो दो रेफर कर सकते हो, और आइदर यू कैन रेफर द बोथ, ठीक है, तो दोनों, ठीक है, इनसाइट का आप डेली के लिए यूज़ कर सकते हो और विजन का जो है मंथली रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इट इज़ यूर चॉइस कि आपको कौन सा रेफ़र करना है या आपको दोनों रेफ़र करना है, ठीक है, जैसे आपको टाइम परमिट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइसेस बनाएं। एंड चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जीएस पेपर वन से न्यूज़ थी, सो न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द इशू ऑफ अ वुमेन। सो न्यूज़ क्या है, व्हाई वुमेन राइट एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज महाराष्ट्र प्रपोजल अगेंस्ट प्रपोज लॉ अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है, तो रिसेंटली हम जैसे जानते हैं कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक शक्ति बिल, ठीक है, 2020 उसको लाया है, एंड तो ये जो बिल है, ठीक है, इट इज़ बिंग क्रिटिसाइज बाय वेरियस एक्टिविस्ट, उसके बारे में कंटेक्स है, ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं। दैट इज़ महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020 एंड अ स्पेशल कोर्ट एंड अ मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020, ठीक है, ये क्रिटिसाइज हुआ है बाई द प्रोमिनेंट वुमेन राइट एडवोकेट, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है दैट दिस ये जो लॉ है, ठीक है, वो एक एंटी वुमेन और डाकोनियन, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है, और एक्टिविस्ट के मानने के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग इस दो बिल को, ठीक है, जो फ्रेम हुए हैं ऑन द लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019 शुड हैव टू बी डिस्कस विद द लॉयर एक्टिविस्ट एंड अकेडमिक वर्किंग ऑन अ वुमेन इशू बिफोर दे हैर बिंग पास बाय द स्टेट कैबिनेट, ठीक है, तो उनका कहना ऐसा है कि दैट वो जो बिल्स है, ठीक है, स्टेट कैबिनेट में पहले पास होने के पहले जो है एक्टिविस्ट लॉयर्स और जो एकेडमिक शेंस है, ठीक है, जो वर्क करते हैं ऑन द वुमेन इशू, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ का कंटेक्स्ट, ठीक है, सो वॉट आर अदर कंसर्न्स, ठीक है, ये जो महाराष्ट्र का शक्ति बिल है, ठीक है, दो तीन दिन पहले डिस्कस हो गया था, सो आप जो वीडियो है वहाँ से जाके एक बार रेफर कर लेना, ठीक है, दो तीन दिन पहले के डिस्कशन में हमने महाराष्ट्र शक्ति बिल का डिस्कस किया था, ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस बिल। सो जो अमेंडमेंट है, ठीक है, जो प्रपोज की गई है टू द सेक्शन 375, ठीक है, जो रेप केस से डील करता है ऑफ आईपीसी, टू ऐड अ एक्सप्लेनेशन दैट सी दैट इन द केस वेयर द पार्टीज आर एडल्ट एंड देयर कंडक्ट suggest that was a concern or implied concern, a presumption of the concern will be made, ठीक है, and thus activist ने ऐसा बोला है कि the fit into the patriarchal construct of a consent and a conduct of a woman, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उनका जो साइड है वो रखा है। रिगार्डिंग सेक्शन 12, ठीक है, ऑफ अ स्पेशल कोर्ट एंड मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ शक्ति एक्ट 2020, ठीक है, विल पब्लिश अ फाइलिंग ऑफ अ सॉरी विल फनिश अ फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स कंप्लेंट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉल्स कंप्लेंट पे जो है पर्टिकुलर पर्सन को पनिश किया जाएगा, एंड दिस अकॉर्डिंग टू द सिग्नेटरीज कहीं ना कहीं परपिचुएट करता है पार्टियाचुअल नोशन ऑफ वीविंग अ वुमेन विद द सस्पेंशन एंड अनवर्थ ऑफ बींग बिलीव, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है उसका बढ़ावा मिलता है, एंड दस कहीं ये जो पॉइंट है, ठीक है, इट विल फर्दर डिटेल फॉर विक्टिम फॉर रिपीटिंग द सेक्शुअल ऑफेंसेस, और रिगार्डिंग
बिसाइड दिस 15 डे फ्रेम जो दिया गया है, ठीक है, विल नॉट बी सफिशियंट कि सारे एविडेंस जो जो है, ठीक है, वो गैदर कर पाए, एंड दस इट विल बिकम एक्सक्यूज फॉर द पुलिस टू डू नॉट कंडक्ट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एंड दस हरीड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है वो कहीं ना कहीं मिसकरेज ऑफ जस्टिस भी कॉज कर सकती है. एंड ऑल्सो जो डेथ पेनाल्टी जो मेंशन की गई है न्यू लॉ में, ठीक है, रिड्यूस बोथ द रिपोर्टिंग ऑफ अ सेक्शुअल ऑफेंस एंड अ कन्विक्शन रेट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन भी डिस्कस किए गए हैं, एंड क्या एक्टिविस्ट ने उनके तरीके से जो अपोज किए हुए पॉइंट्स है वो भी मेंशन किए हैं, ठीक है. इस तरीके से हमने जो कंसर्न्स थे रिगार्डिंग द महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020 वो हमने डिस्कस कर लिए. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. व्हाट मेक्स द जेमिनिड्स मेट्रोड्स शॉवर यूनिक. सो रिसेंटली क्या हुआ है, जेमिनिड्स मेट्रोड शॉवर बिलीव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ईयर इज एक्टिव फ्रॉम डिसम्बर 4 टू डिसम्बर 20 एंड विद डिसम्बर 13 एंड डिसम्बर 14 कंसिडर टू बी द बेस्ट नाइट फॉर द व्यूइंग ऑफ दिस मेट्रोड शॉवर, ठीक है. तो मेट्रोड शॉवर का जो है एक बेस्ट व्यू जो है 13 और 14 तक जो रहेगा ऐसा बोला है, एंड उसके साथ साथ 44 से 20 दिसंबर तक ये जो शॉवर है वो दिखाई देगा, ठीक है. अभी हम देखते हैं कि मेटोराइट शॉवर क्या होता है. तो मेटोर्स जो होते हैं आर अ बिट ऑफ अ रॉक एंड आइस जो इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द कॉमेट्स, ठीक है, जो कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, उससे इजेक्ट होते हैं, ठीक है, द बिट ऑफ अ रॉक एंड आइस एज दे मैनोवर्स अराउंड देयर ऑर्बिट अराउंड द सन. और जो मेटोराइट शॉवर होता है, ठीक है, वो विटनेस होता है व्हेन अर्थ, ठीक है, जब अर्थ पास होता है थ्रू द ट्रेल ऑफ अ डेब्रीज लेफ्ट बिहाइंड द कॉमेट्स और एज और एन एस्टोरॉयड, ठीक है. तो डेब्रीज जो रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर जब अर्थ पास होता है उस टाइम पे मेटोराइट का जो शॉवर है वो दिखाई देता है, या वी कैन से दैट इट इज़ विटनेसेस इन द अर्थ. अब हम देखते हैं कि वाई is the जेमिनिड्स मेट्रोड शॉवर कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है. तो रीज़न क्या है, तो ये जेमिनिड्स मेट्रोड जो है शॉवर आर यूनिक. बिकॉज क्यों ये यूनिक है, द रीज़न इज दैट उनकी जो ओरिजिन होती है डज नॉट लाई इन द कॉमेट बट वॉट इज बिलीव दैट इट टू बी द एस्टोरॉयड और द एक्सटीन कॉमेट, ठीक है, जो एक्सटीन हो गए हैं और ठीक है वो उस टाइप के कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिन होते हैं. इसलिए इस ये जो मेट्रोइड्स है, ठीक है, ये मेटोर्स जो है जेमिनिड्स मेटोर्स जो है उसको यूनिक कंसिडर किया जाता है. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो जेमिनिड्स हैं, ठीक है, इमर्ज फ्रॉम 3200 फ्लैंटोन विच मेटोरॉयड मेटोर्स साइंटिस्ट कंसिडर टू बी एन एस्टेरॉयड. एंड ये जो एस्टेरॉयड है, ठीक है, इज ओवर 5 किलोमीटर इन डायमीटर एंड उसका जो नेम है वॉज नेम आफ्टर द ग्रीक मिथ ऑफ अ प्लैंटोन जिसको सन ऑफ अ गॉड हेलोस भी बोला जाता है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द नासा, ठीक है, नासा के अकॉर्डिंग जो जेमिनिड्स है, ठीक है, उसका रेट जो होता है, ठीक है, विल बी बेटर दिस ईयर बिकॉज, ठीक है, रीज़न क्या है, उसकी जो स्पीड इस बार बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, बेटर रहेगी. रीज़न क्या है, बिकॉज द शॉवर पीक ओवरलैप विल द नियरली न्यू मून एंड विच मीन्स दैट द डार्कन स्काई एंड नो मून लाइट टू वॉश आउट द फेंटियर मेटेरॉयड. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट कि क्यों इस बार जो जेमिनिड्स मेटोर्स है उसका रेट बेटर रहेगा, ठीक है. अब हम देखते हैं कि कॉमन जो टर्म्स है, ठीक है, जो मोस्टली दिखाई देते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड हो गया, कॉमेट्स हो गया, मेटेरॉयड्स, मेटोर्स और मेटोरेट, ठीक है. तो इन सब के जो है डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में भी बहुत अच्छे से दिखाई दिया है, ठीक है. आई विल जस्ट रीड दैट. तो सबसे पहला है कि एस्टेरॉयड, ठीक है, एक रिलेटिवली स्मॉल इनएक्टिव और रॉकी बॉडी होती है जो रोटेट होती है अराउंड द सन, ठीक है, एक रॉक बॉडी, ठीक है, मोस्टली एस्टेरॉयड जो है, ठीक है, और रॉक इज ऑर्बिटेड जनरली मार्स एंड जुपिटर. सम मेटोराइड्स ऑल्सो गेट बाउंड टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है. तो एक रॉक की बॉडी होती है, इनएक्टिव होती है और मोस्टली वो ऑर्बिट करती है द सन. नेक्स्ट इज अ कॉमेट्स, ठीक है. तो कॉमेट्स क्या होते हैं, एक रिलेटिवली स्मॉल होते हैं एंड वो एक्टिव होते हैं, ठीक है. ये जैसे एस्टेरॉयड इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं हुज आइज कैन वेपोराइज इन अ सनलाइट फॉर्मिंग अ एटमोसफियर, ठीक है, ऑफ अ डस्ट एंड अ गैसेस एंड समटाइम अ टेल ऑफ अ डस्ट और अ गैसेस, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं कॉमेट, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमेट ए चंक ऑफ आइस एंड अ रॉक जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम एंड ऑफन उसको अकम्प्लाइज करता है बाय अ कॉमा एंड अ टेल, ठीक है. तो उसमें जो होता है कॉमा और एक टेल भी होता है ऐसा
जो जो भी दिखता है, ठीक है, सोलर सिस्टम के यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉमेट. नेक्स्ट इज अ मेटेरॉइड, ठीक है. मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल होते हैं फ्रॉम द कॉमेट और एस्टेरॉयड ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है. तो मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, वो कॉमेट या एस्टेरॉयड्स के ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक है. और स्पेस रॉक दैट्स बिगर देन अ डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन एस्टेरॉयड, ठीक है. एस्टेरॉयड या कॉमेट्स से छोटे होते हैं, बट जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट ग्रेन्स होते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं. एंड इट इफ इट स्ट्राइक इट कैन इफ इट स्ट्राइक द अर्थ देन इट इज अ मेटेरॉयड, ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, मेटोस, ठीक है. तो लाइट फिनोमिना जो रिजल्ट होता है व्हेन मेटेराइट्स एंटर द अर्थ एटमोसफियर एंड वेपोराइज अ, ठीक है, उसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम उसको फिगर थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है. इट इज मेटोर्स. एंड लास्ट वन इज दैट मेटोराइट, ठीक है. तो मेटोरोड्स जो होते हैं, ठीक है, दैट सर्वाइव इन इट पासिस थ्रू अर्थ सर्फेस एंड लैंड अपॉन द अर्थ सर्फेस, ठीक है. जो मेटोराइड होते हैं, ठीक है, जो अर्थ सर्फेस पे लैंड हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटोरेट, ठीक है. स्पेलिंग डिफर करती है RO ID एंड RITE, ठीक है. एंड दस यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दिस फिगर, ठीक है. तो इससे हमें एक आइडिया मिल गई कि डिफरेंस क्या है इन सब में, ठीक है. एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, GS2 पेपर से न्यूज़ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ सॉट अ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अ केरला चीफ मिनिस्टर पेरियारी विजयन, ठीक है, ऑन अ कंप्लेन दैट ही हैड वायोलेटेड अ मॉडल कोड ऑफ अ कंडक्ट विथ हिज अनाउंसमेंट दैट अ COVID-19 वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर टू एवरी वन इन द स्टेट, ठीक है. तो उन्होंने जब अनाउंस किया कि कोविड की जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने, ठीक है, प्रोवाइड की जाएंगी एवरी वन टू द स्टेट, तो उन पे कुछ एलिगेशन लगे थे, ठीक है, कि उन्होंने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको वॉयलेट किया है. एंड दस जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रही है. एंड ये जो डिसीजन था विल टेक द मैटर आफ्टर स्टडिंग अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसको हम MCC बोलते हैं. तो वो एक गाइडलाइन होती है जो इशू की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और कैंडिडेट जो है इलेक्शन कंडक्ट करें, ठीक है, मेनली विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीच हो गया, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, उसके साथ साथ इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है. इस तरीके का सारा जो है वो मेंशन किया जाता है, सारे गाइडलाइंस जो होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होते हैं. एंड दिस इज़ इन कीपिंग विद द आर्टिकल 324 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो कंडक्ट करे एक फ्री और फेयर इलेक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. एम इसका क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एम ऐसा है कि इंश्योर कर पाए एक फ्री और एक फेयर इलेक्शन, ठीक है. व्हेन इट कम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स में आता है, सो फार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, इट केम इनटू फोर्स इमिडिएटली जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है. एंड ये कोड जो है इट रिमेन्स इनटू द फोर्स टिल द इलेक्टोरल प्रोसेस. अब हम देखते हैं उसका स्टेटस क्या है. द नीड ऑफ सच अ मोड सच कोड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. हाउएवर, ठीक है, ये कोड जो है, ठीक है, इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक स्टैचुटरी बेसिस, इट हैज़ ओनली अ परकेसिव इफेक्ट, ठीक है. ये जो कोड है इट कंटेन वॉट इट इज़ नोन एज अ रूल्स ऑफ अ इलेक्टोरियल मोरालिटी, ठीक है. हम बोल सकते हैं इस में जो होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल मोरालिटी, बट लैक ऑफ अ स्टैचुटरी बैकिंग, ठीक है, इट डज नॉट प्रिवेंट द कमीशन कि वो उसको इन्फोर्स करे, ठीक है. तो ये एक पॉइंट हो गया. अब हम देखते हैं इवोल्यूशन के बारे में. तो जो कमीशन थी, ठीक है, उन्होंने इशू किया कोड फर्स्ट टाइम 1971, ठीक है, एंड रिवाइज किया उसको फॉर टाइम टू टाइम. एंड उसके जो नॉर्म्स है, ठीक है, एंड जो नॉर्म्स है उसको सेट किए गए. एंड इट हैज़ बीन इवॉल्व विद द कंसेंसस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हु हैव बीन कंसेंट टू अबीड बाय द प्रिंसिपल एम्बॉर्डेड इन सेड कोड एंड ऑल्सो बाइंड देम टू रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व इट इन द लेटर ऑफ अ लेटर एंड द स्पिरिट, ठीक है. इस तरीके से वो इवॉल्व होते गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. वॉट इट कंटेन, अब ये क्या क्या कंटेन करता है, यहाँ पे कुछ दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है. साइलेंट फीचर ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ अ कंडक्ट ले डाउन कि किस तरीके से पोलिटिकल पार्टी जो है वो कंसिस्ट करे इलेक्शन
और कंसिडर करे उनका कैंडिडेट, ठीक है, इन पावर एंड शुड कंडक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए इलेक्शन, ठीक है, जनरल कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन इलेक्शनरीज होल्डिंग मीटिंग एंड प्रोसेशन पूल डेज एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारा मेंशन होता है वहाँ पे। अब हम देखते हैं इन्फोर्समेंट, तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है हैज़ डिवाइस सर्वल मैकेनिज्म कि वो नोट, ठीक है, कि वो एक चेक करे, ठीक है, वॉच डॉग रखे ऑन द वॉयलेशन ऑफ द कोड एंड इट ऑल्सो इंक्लूड अ जॉइंट टास्क फोर्सेज कि वो इन्फोर्स ऑफ अ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड अ फ्लाइंग स्क्वाड। और लेटेस्ट अगर देखा जाए कुछ पॉइंट तो इट इज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ सी विजिल मोबाइल ऐप, ठीक है, थ्रू विच द ऑडियो विजुअल एविडेंस जो होती है मैल प्रैक्टिसेस की वो भी रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो था मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट जो था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके बारे में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, तो MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो रिसेंटली क्या हुआ है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ ऑल जो पार्टीज है, ठीक है, हैज़ अनएनिमसली आक्स द गवर्नमेंट टू रिलीज द फंड फॉर द प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था 2018 और 19 के टाइम पे, ठीक है, एंड विच वॉज अंडर द वे बिफोर जो फंड, ठीक है, फर्स्ट ये जो स्कीम थी इट वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड तो अभी जो है सब पार्टीज क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि उसका जो फंड था जो सैंक्शन हुआ था और इट वॉज इन द प्रोसेस कि वो आने वाला था तो सस्पेंड होने के पहले जो है वो जो फंड था उसको ट्रांसफ़र किया जाए एंड इन देयर रिप्रेजेंटेशन MPs जो है उन्होंने आर्गू किया है कि ये जो फंड है बिकम मोर क्रिटिकल ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, ठीक है। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्टोर किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एंड दस उन्होंने सस्पेंड कर दिया मेंबर्स का, ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम थी अप्रैल में, ठीक है, इस साल के अप्रैल में उन्होंने उस टाइम पे उसको सबमिट कर दिया एंड उन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसको रिस्टोर कर दिया। अब इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्कीम जो थी वो लॉन्च हुई थी 1993 को एंड इट सीक्स टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है, कि वो रिकमेंड करे वर्क ऑफ अ डेवलपमेंट नेचर फॉर क्रिएशन ऑफ अ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट, ठीक है, कम्युनिटी एसेट, ठीक है, उनको फंड दिया जाता है देन दे कैन क्रिएट अ कम्युनिटी एसेट, ठीक है, उसके साथ साथ जो है दे कैन प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ ये जो स्कीम है, ठीक है, इज अ प्लान स्कीम फुल्ली फंडेड होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनुअल इसका अगर फंड देखा जाए जिसको जो एंटाइटल होता है MPs को वो है 5 करोड़, ठीक है। स्पेशल फोकस अगर देखा जाए तो MPs जो है आर रिकमेंडेड एवरी ईयर, ठीक है, कि वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ MP लैड्स एनलाइटमेंट ऑफ द ईयर फॉर द एरिया इट विच इज इनहैबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर द एरियाज इनहैबिटेड बाय द ST पॉपुलेशन, ठीक है, तो 15% एटलीस्ट जो शेड्यूल कास्ट एरिया है वहाँ पे यूटिलाइज करें और 7.5% जो है जहाँ पे शेड्यूल टाइप एरिया है वहाँ पे यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू इनकरेज द ट्रस्ट एंड सोसाइटीज एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज सीलिंग भी रखी गई है ऑफ 75 लाख, ठीक है, फॉर बिल्डिंग द एसेट, ठीक है, बाय द ट्रस्ट एंड द सोसाइटीज, ठीक है, ये सारा एक स्पेशल फोकस है, ठीक है, टू द वेरियस कम्युनिटीज़, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल फोकस है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और उसके साथ साथ ट्राइबल पीपल्स के लिए। अब हम देखते हैं रिलीज ऑफ द फंड, तो जो फंड है, ठीक है, वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाता है और फंड जो होता है वो रिलीज होता है अंडर द स्कीम एंड इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल फंड एंड जो लायबिलिटीज होती है ऑफ द फंड आर नॉट रिलीज इन द पर्टिकुलर ईयर एंड इट इज़ देन फर्दर कैरी किया जाता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर एंड सब्जेक्ट इज एलिजिबिलिटी। MPs जो होते हैं आर रिकमेंडेटरी रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दिस स्कीम एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है एम्पावर होती है कि वो एग्जामिन करे एलिजिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, वर्क सैंक्शन करे फंड्स एंड सिलेक्ट करे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, प्रायोरिटाइज करे वर्क्स, सुपरविजन करे, ठीक है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटर करे स्कीम कि वो प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। एटलीस्ट 10% जो होता है इस प्रोजेक्ट का वो इम्प्लीमेंट किया जाता है इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर एवरी ईयर, ठीक है, बाय द इंस्पेक्ट किया जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है, तो ये एक हो गया किस किस तरीके से ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन
होता है, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन ऑफ द वर्क देखा जाए तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं कि वर्क इन द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी, एंड जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो भी रिकमेंड किए जाते हैं कि वो कहीं पे भी स्टेट में, ठीक है, वो उनका जो काम है वो कर सकते हैं। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में सिलेक्ट वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क जो है पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी उसको हमने कंप्लीट कर दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है उन्होंने रिलीज़ किया है डाटा ऑन अ रोल ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ की फाइंडिंग में पता चला है कि जो पेशेंट है, ठीक है, सीकिंग केयर इन द प्राइवेट हॉस्पिटल टेन टू बी ओल्डर एंड लार्ज शेयर जो है वो मेंस होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज हु आर सीकिंग अ मेडिकल केयर इन द पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल से ज़्यादा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, इस स्कीम के अंडर में जो भी पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ज़्यादातर ओल्ड होते हैं एंड मेनली लास्ट ईयर जो है मेन पॉपुलेशन का है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं अकाउंट करते हैं ओवर हाफ ऑफ द एम्बलम हॉस्पिटल, नियरली 2/3 जो है क्लेम वॉल्यूम्स एंड 3/4 ऑफ अ क्लेम आउटले इन द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है, दैट इज PMJ के अंडर। तो टॉप PMJ पैकेज जो है बाय वैल्यू इंक्लूड करता है, ठीक है, अभी कौन से, ठीक है, PMJ के अंदर जो जो फैसिलिटीज, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल थ्रू या जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो कौन से मेनली फोकस्ड एरियाज है, ठीक है, मतलब फोकस नहीं बोल सकते कि वहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा पैकेज का जो है यूटिलाइज किया है अब तक, ठीक है। तो नी के रिप्लेसमेंट के फैक्टर में कैटरेक्ट, हेमोडायलिसिस, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है PMJ का पैकेज है वो यूज़ हुआ है। एंड ओवर 72% जो है प्राइवेटली एम्बल हॉस्पिटल जो है आर जस्ट इन द 7 स्टेट, ठीक है, तो वो कौन से स्टेट है, दैट इज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड कर्नाटका। सो व्हाट आर द फर्दर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, तो जो मेडिकल ऑडिट्स है, ठीक हैव ऑल्सो बीन रिवील कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज है या इंगल्ड इन द फ्रॉड एंड दे यूज टू अब्यूज दैन द प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड दस मोरली लाइक टू डिस्चार्ज अ पेशेंट अर्ली पोस्ट सर्जरी टू कट द कॉस्ट, ठीक है, तो पोस्ट सर्जरी उनको अर्ली डिस्चार्ज दे देते हैं, ठीक है, टू कट देयर कॉस्ट एंड दस अलॉन्ग विद दिस इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड इफिशियंट एंड अ हाई क्वालिटी केयर इज अ प्री इमिनेंट चैलेंज टू इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को, ठीक है, प्रॉपरली उनके जो सर्विसेज है, ठीक है, उनको प्रॉपरली अकाउंटेबल रखना ये एक मेजर चैलेंज है वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस PMJ स्कीम। नेक्स्ट इज दैट देयर इज अ ह्यूज स्टेट वाइज वेरिएशन है, ठीक है, जो भी शेयर प्राइवेट एम्बल्ड हॉस्पिटल्स को है, ठीक है, फॉर फ्रॉम लेस दैन 25% इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड अ हिली स्टेट टू द 80% इन द महाराष्ट्र, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में और कुछ देखा जाए, ठीक है, और एक पॉइंट कि काफ़ी ज़्यादा बेड्स की कमतरता है एज कम्पेयर टू द पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड मोर लाइकली टू इम्बल्ड फॉर अ सर्जिकल पैकेज एंड अ सुपर स्पेशलिटी। सो दिस आर द पॉइंट रिगार्डिंग द की एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट नीड टू बी डन, तो क्या करना अभी है, नीड ऑफ अवर है, तो ऑफरिंग अ रॉबस्ट पब्लिक सेक्टर अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ अ हाई परफॉर्मिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विंग अ मार्केट एंकर विच विल बी द वन एलिमेंट ऑफ अ सच अप्रोच, ठीक है, तो इट इज़ अ नीड ऑफ अ हवर। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं PMJ स्कीम के, तो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर है एंड इट इज़ फंडेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंडर में क्या होता है, 5 लाख जो है, ठीक है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिए जाते हैं फॉर सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अक्रॉस पब्लिक एज वेल एज अ प्राइवेटली एम्बल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इसका अगर कवरेज देखा जाए तो 10.74 करोड़ है, ठीक है, पुअर और वनरेबल एंटाइटल फैमिलीज के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हम अगर देखा जाए तो 50 करोड़ बेनिफिशरीज है जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए एंड प्रोवाइड करते हैं एक कैशलेस एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशरी एट द पॉइंट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। तो पॉइंट जो भी सर्विस
ठीक है, जो भी हॉस्पिटल से वहाँ पे, तो उनको कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हो गए पीएमजे स्कीम के बारे में। अब एलिजिबिलिटी देखा जाए तो किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली साइज कितनी है, एज क्या है और जेंडर क्या है। उसके साथ साथ ऑल जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं आर कवर्ड फ्रॉम अ डे वन एंड कवर अप टू द 3 डेज ऑफ अ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डे आफ्टर द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंसिस सच एज अ डायग्नोस्टिक और अ मेडिसिन। और बेनिफिट जो है स्कीम का आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। सर्विसेज इंक्लूड करती है 1393 प्रोसीजर जो कवर करती है ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग नॉट ओनली लिमिटेड टू द ड्रग। ठीक है, तो बाकी जो भी चार्जेस होते हैं, रूम चार्जेस हो गया, फिजिशियन चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, ठीक है, ये सारा भी इंक्लूड किया जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं आर रीइंबर्स फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एज पार विद द प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सारा हो गया पीएमजे के अंडर में। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी पॉइंट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। तो रिसेंटली जो नीति आयोग है उन्होंने रिलीज़ किया है एक वाइट पेपर जिसको विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया विद अ विजन ऐसा बोला। ठीक है, सॉरी इंडिया, ठीक है, ये है इसका विजन देखा जाए। ठीक है, इसके अंडर में क्या क्या है, तो टू मेक इंडिया एक पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव और ठीक है इन्हांस करे प्रिपेयरनेस फॉर एक्शन एट ऑल द लेवल। सिटीजन पब्लिक ठीक है सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम बनाए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि इंश्योर करे इंडिविजुअल प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक इनेबल करे एक क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म, इम्प्रूव करे डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म बोथ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कि अच्छे तरीके से एक बेटर डिसीज डिटेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल कर पाए। इंडिया का इसी के अंडर में एम है कि वो प्रोवाइड करे रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप इन मैनेजिंग द इवेंट दैट आर कंस्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ अ इंटरनेशनल कंसेंसस। ठीक है, तो ये हो गया विजन के, ठीक है, ये जो विजन 2035 है उसके अंडर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोकस अगर देखा जाए इस पेपर का और उसका सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है बाय सजेस्टिंग मेन स्ट्रीम ऑफ अ सर्विलेंस बाय बेकिंग इंडिविजुअल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड अ बेस रिकॉर्ड्स द बेस फॉर द सर्विलेंस। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस जो रहेगा, ठीक है, इज इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रहेगा। ठीक है, एंड इट विल कट अक्रॉस द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड जो सर्विलेंस है इट इज़ अ इंफॉर्मेशन फॉर द एक्शन। ठीक है, इस पेपर के अंडर, ठीक है, इट विल इन्वेसाइज अ सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे स्टेक होल्डर्स एट ऑल द लेवल, बी इट इंडिविजुअल कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और द लेबोरेटरीज, अलॉन्ग विद दिस प्रोटेक्ट भी करेंगे इंडिविजुअल प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखा जाए इस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इट ले आउट इंडिया का जो विजन है 2035 फॉर द पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस और इसको भी इंटीग्रेट किया गया है 3-tiered पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन टू द आयुष्मान भारत। इट ऑल्सो स्पेल आउट द नीड फॉर एक्सपांडेड रेफरल नेटवर्क एंड इनहांस करता है लेबोरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ उसके रिलेटेड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है फॉर दिस विजन। तो एक इंटरडिपेंडेंट जो है फेडरेटेड सिस्टम रहेगी ऑफ अ गवर्नेंस दैट इज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और जो न्यू डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जो इन्वॉल्व करता है द यूज ऑफ अ न्यू एनालिटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन डाटा साइंसेस इंक्लूडिंग इनोवेटिव वे ऑफ अ डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द विजन। ठीक है, अब हम देखते हैं GS3 पेपर से न्यूज है, हाउ डिड चाइना गो अबाउट रिफॉर्म इन टू एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो कंटेक्स देखा जाए तो लर्निंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन चाइना। ठीक है, तो इंडिया और जो चाइना के इस सेक्टर में क्या डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है, किस सेक्टर में, दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। ठीक है, तो डिस्पिट सिमिलर ट्रेंड्स ग्रोथ रेट अगर देखा जाए दोनों कंट्री का, पर दोनों के जो रिफॉर्म्स हैज टेकन अ डिफरेंट पाथ। किस तरीके से, तो चाइना है स्टार्टेड ऑफ विद द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इन द रूरल एरिया, वाइल इंडिया जो है स्टार्टेड उन्होंने स्टार्ट किया बाय लिबरलाइजिंग एंड रिफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो जब इन्होंने दोनों ने कुछ जो सिमिलर ट्रेंड के साथ स्टार्ट किया, ठीक है ग्रोथ रेट्स तो हो गई दोनों की स्टार्ट, पर जो चाइना है उस टाइम पे उन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरिया पे, और उस टाइम पे इंडिया ने फोकस किया फॉर लिबरलाइजिंग एंड रिफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड दस एक डिफरेंस अराइज होता है एंड दिस लीड टू द डिफरेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, बाद में तो ग्रोथ रेट डिफरेंट होती गई एंड मोर इम्पोर्टेंटली
कहीं ना कहीं डिफरेंट रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन भी दिखाई दिए। चाइनीज की रिफॉर्म के बारे में अगर देखा जाए तो बाय मेकिंग एग्रीकल्चर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म, ठीक है, एग्रीकल्चर को स्टार्टिंग पॉइंट रखा उन्होंने, ठीक है, फॉर मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म, तो क्या हुआ उसके वजह से अ सेक्टर विच गेव अ मेजोरिटी ऑफ अ पीपल द लाइवलीहुड, चाइना जो है कुल इंश्योर कर पाया एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गेन एंड अ पब्लिक एंड उन्होंने बिल्ड किया कंसेंसस और एक पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सच रिफॉर्म। जो रिफॉर्म्स उन्होंने लाए गए, ठीक है, रिफॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स रिजल्ट किए एक ग्रेटर रिटर्न टू द फार्मर एंड एक इफिशियंट जो है रिसोर्स एलोकेशन, और कहीं ना कहीं हेल्प किया फॉर स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस एंड मेड इट मोर कॉम्पिटिटिव। बिसाइड दिस एक प्रॉस्पेरिटी जो है इन एग्रीकल्चर वो ज़्यादा फेवर हुई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डायनेमिक रूरल नॉन फार्म सेक्टर रिगार्ड्स एज द वन मेन ऑफ अ रैपिड पॉवर्टी रिडक्शन इन चाइना, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं एक एडिशनल सोर्स, ठीक है, के तरीके से भी यूज़ हुआ, ठीक है, चाइना के पीपल को, एंड दस जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म और पॉवर्टी रिडक्शन जो है उनके कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट विद द इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिफॉर्म और लिबरलाइज करने का उस टाइम पे उन्होंने किया एज कम्पेयर टू द चाइना, ठीक है, जो उन्होंने स्टार्टअप किया, ठीक है, उन्होंने जो स्टार्टेड किया वो रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए किया, ठीक है। अब हम देखते हैं GS4 पेपर से न्यूज़ है, गवर्नमेंट टू यूज़ पोल रूल डाटा टू अलॉट अ COVID-19 वैक्सीन। तो COVID-19 ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है वो रिसेंटली रिलीज हुए है हेल्थ मिनिस्ट्री थ्रू, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो COVID-19 वैक्सीन नेटवर्क रहेगा सिस्टम, जो एक डिजिटलाइज फॉर्मेट रहेगा एंड इट विल यूज टू ट्रैक द इनलिस्टेड बेनिफिशरीज एंड अ COVID-19 वैक्सीन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। लेटेस्ट इलेक्टोरेट रोल फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्शन थे, ठीक है, वो यूज़ किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी पॉपुलेशन दैट इज ओवर द एज ऑफ अ 50 एंड एट द वैक्सीनेशन साइट ओनली अ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी जो रहेगा, ठीक है, उसी को वैक्सीनेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटाइजेशन एंड देर विल बी द नो प्रोविजन ऑन द कि किसी भी टाइप का प्रोविजन नहीं रहेगा कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो पाए, ठीक है। ये जो वैक्सीनेशन रहेगा, ठीक है, इट विल बी ऑफर टू द हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, द पॉपुलेशन जिसकी एज 50 से ज़्यादा है, फॉलोड बाय द पर्सन जो यंगर है दैन द 50 विथ एसोसिएटेड विद द मोरबेडिटी बेसिस ऑन द पैंडमिक सिचुएशन, ठीक है, एंड फाइनली टू द रिमेनिंग पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डिसीजेस एपिडोमोलॉजी एंड अ वैक्सीन अवेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से एक प्रायोरिटाइज लिस्ट दी गई है और जो प्रायोरिटाइज ग्रुप है ऑफ 50, ठीक है, अबोव आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू फर्दर फॉर्म दैट इज अबोव 60, ठीक है, बिटवीन 50 to 60, और ठीक है उस टाइप से भी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़। अब हम देखते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, ब्लैक फंगस, ठीक है, तो एक इसको हम इट इज़ आल्सो नोन एज अ म्यूकोरमाइकोसिस और झाइगोमाइकोसिस, ठीक है, एक सीरियसली बट अ रेयर फंगल इन्फेक्शन है, कॉज होता है बाय द ग्रुप ऑफ अ मोल्ड्स कॉल एज अ मोरोमाइटिसिस, ठीक है, जो एग्जिस्ट होते हैं इन द एनवायरमेंट, और ये जो फंगिस हैं, ठीक है, मेनली अफेक्ट करते हैं पीपल्स, ठीक है, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है एंड ठीक है हु हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम और टेक अ मेडिसिन दैट अ लोअर द बॉडी एबिलिटी एंड फाइटर जर्म्स एंड द डिसीजेस। सिम्टम्स अगर देखा जाए, नबनेस होता है, वन साइड नोज ऑब्स्ट्रक्शन और स्वेलिंग ऑफ अ आइज एंड अ पेन, ठीक है, अर्लियर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन बी हेल्प। वाई ये न्यूज़ में था, द ऑकरेंस ऑफ अ कोविड ट्रिगर म्यूरोकोसिस, ठीक है, जिसके वजह से हाई मोरबेडिटी और मोर्टेलिटी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमिग्री रिलेटेड न्यूज़ है, तो एक फर्स्ट ऑफ द थ्री स्टेल्ट फ्रिगेट जो बिल्ड हुई है बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड द इंजीनियर्स कोलकाता अंडर द प्रोजेक्ट 17A फॉर द नेवी। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A है, ठीक है, टोटल 7 शिप से उसमें 4 मेजेगॉन डॉक बिल्डर शिप लिमिटेड एंड 3 एट अ गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है, जो बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, आर बिंग बिल्ड, जो इनहांस करेंगे
डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, इंडिजिनियस वेपन्स टाइप्स, ठीक है, एंड सेंसर्स वगैरह भी फिट किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हिमागिरी हो गया वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, सक्षम के बारे में है। दैट इज एक फिफ्थ एंड एक लेटेस्ट ऑफशोर पेट्रोल विसाइल है, ठीक है, सॉरी वेसल है, जो डिजाइन किया है बाय एंड बिल्ड किया है बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड थ्रू फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया है, और ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, विल फॉर्म फॉरबिडन पार्ट ऑफ अ कोस्टल गार्ड फिल्ट एंड यूज़ किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ टेरिटोरियल वाटर फॉर द नेशन। नेक्स्ट देखा जाए, वॉट इज द US स्टेट स्पॉन्सर फॉर अ टेररिज्म लिस्ट, वॉट आर द इम्प्लीकेशन। तो रिसेंटली जो US के सेक्रेटरी है ऑफ अ स्टेट, दे हैव गिवन अ पावर टू डिसमिनेट द कंट्री दैट जो रिपीटिवली सपोर्ट किया है फॉर द एक्शन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एज अ स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, ठीक है। तो US ने चार कैटेगरीज, ठीक है, फॉर सैंक्शन, तो वो कौन से लिस्ट है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ US फॉरन असिस्टेंस, बैन किया है ऑन अ डिफेंस एक्सपोर्ट एंड सेल, सर्टन कंट्रोल ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ अ ड्यूअल यूज आइटम्स एंड मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रेस्ट्रिक्शन। न्यूज़ में क्यों था, तो US ने लिफ्ट किया है सूडान फ्रॉम द टेरर लिस्ट। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द लिस्ट, तो सूडान डीलिस्टिंग के बाद अगर देखा जाए तो तीन कंट्रीज है, ठीक है, अभी भी उस लिस्ट में है, वो है साइरिया, ठीक है, जो 1979 में जिसको ऐड किया गया था, ईरान 1984 को, और नॉर्थ कोरिया को 2017 को, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आज का न्यूज़ डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।